हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और दोस्तों आज टेक्निकल हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लगन चौधरी। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी जो मेरा टेक्निकल हेल्थ चैनल है, मैं इसमें हेल्थ टिप्स भी देता रहता हूं और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज होती हैं वो भी बनाता हूं। तो वैसे ही आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने हेल्थ टिप्स एपिसोड में। तो दोस्तों आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो हेल्थ टिप्स देने जा रहा हूँ, ये वो बहुत ही जानदार टिप्स हैं जो कि इस टाइम सर्दी के मौसम में आप सभी को उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि जो बेसिकली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सर्दी में जो लेट नाइट जैसे एक एज हो जाती है 40-45 से ऊपर एज वाले पर्सन्स के लिए स्पेशली है सर्दी में इस टिप्स को उनके लिए अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो आप किसी भी उम्र के हों, कोई भी उम्र हो, आपको ये सारे फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा ये आपको फॉलो करनी चाहिए किसी भी उम्र में। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है 40-45 से ऊपर एज वाले पर्सन्स के लिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं उनको उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हेल्थ टिप्स ऐसी रोज़ नहीं मिलती हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। सर्दी के वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है और वो बाहर जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, और अगर किसी एक एज के बाद कोई पर्टिकुलर डिजीज चल रही है तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। एक्सरसाइज ज़्यादा कर नहीं सकते, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो सर्दी में क्या होता है कि गर्मी में तो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ता हमारे हार्ट पे, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो उस कंडीशन में जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सर्दी में स्पेशली ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जो आज का मेरा हेल्थ जो टिप्स हैं मैं जो देने जा रहा हूँ वो यही है कि देखिए क्या होता है कि रात में जब एक बार आप सो जाते हैं 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद जब भी सो जाते हैं, मैं देखो फिर से एक बार रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, ये स्पेशली जो टिप्स हैं ये 40 से 45 साल से ऊपर एज वाले जो लोग हैं उन पे ज़्यादा अप्लाई होती है। बाकी तो सभी कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन एज वाले पर्सन जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, ये इतनी एज के बाद में क्या होता है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी इम्यूनिटी है वो जो जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं वो थोड़ी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि सर्दी में जब आप रजाई या फिर कंबल आप किसी के अंदर एक बार बिस्तर पे जब सो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो अपने टेम्परेचर को उस जो अंदर का जो टेम्परेचर है जितना है उसके अकॉर्डिंग उसमें ढल जाती है। उसके बाद क्या होता है, बाहर होता है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। आप ये लगा लीजिए 10 डिग्री से भी कम हो जाता है दिसंबर जनवरी जैसे महीने में सर्दियों में। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे रात को एकदम से यूरिन यानी कि पेशाब के लिए आप उठते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, या मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एकदम से उठेंगे रजाई निकाल के और सीधे बिस्तर से नीचे। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा होती है। आपने सुना होगा कि 100% हार्ट अटैक केसेस जो होते हैं उनमें 80-90% ऐसे ही केसेस होते हैं जो कि क्या होता है कि रात में जैसे 10 बजे के बाद सो गए या 11 बजे के बाद सो गए एकदम से उठते हैं और तुरंत बेड से बाहर निकले और वॉशरूम के लिए चले जाते हैं। दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी होती है हीट और बाहर होता है एकदम ठंडा मौसम, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे, आप धीरे धीरे करके नहीं निकलोगे, एकदम से बाहर निकलोगे तो वो क्या होता है, डायरेक्ट हमारा जो ब्लड है ना, जो गर्म खून हुआ होता है वो एकदम से ठंड के कांटेक्ट में आते ही वो जम जाता है।
एकदम से जम जाता है, और इसके परिणाम ये होता है कि हमारा जो ब्लड है जो एक नॉर्मल वे में फ्लो हो रहा था, जो हमारा हार्ट नॉर्मल वे में काम कर रहा था, उस पर एकदम से प्रेशर बनता है और ब्लड में एकदम से क्लॉट जमने के चांसेस बन जाते हैं, और उस कंडीशन में हमारे दिल की जो धड़कने हैं वो रुकने के चांसेस हो जाते हैं। हार्ट अटैक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस सर्दियों में यही होते हैं, यही कारण होते हैं हार्ट अटैक आने के। और साथ ही हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक या स्ट्रोक जैसी जो खतरनाक बीमारी है ये भी होती है अगर आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो। देखो मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ में होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब सर्दियों में हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखो, अगर मैं आपको किसी बीमारी के अगेंस्ट जो आपको मैं सचेत कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ़ मैं आपको आइडियाज़ भी देता हूँ, सॉल्यूशन भी देता हूँ कि करना क्या है। देखो यदि अगर रात में आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं या आप भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर रात में उनको पेशाब लगता है, वॉशरूम उनको जाना है, तो करना क्या है कि जैसे वो रजाई से सो के उठते हैं, देखो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूरे 3.5 मिनट देने हैं दोस्तों। 3.5 मिनट जो हैं आपकी हेल्थ को बिल्कुल वैसा ही बना के रखेंगे जैसे आप सोने से पहले रजाई के अंदर लेके गए थे। तो 3.5 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप जैसे ही उठते हैं तो आपको 1 मिनट, पूरा 1 मिनट आपको वैसे ही रजाई में उठ के आपको बैठना है, बाकी और कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। अगले ही 1 मिनट आपको अपने जो पैर हैं, हाथ हैं, उनको गद्दे को हटा देना है, बिल्कुल जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने देना है, ठीक है। 2 मिनट हो गए, इसके बाद में अगला जो 1.5 मिनट है आपको कुछ नहीं करना, जो आपका बेड है, बिस्तर है, कोई भी है जिस पे भी आप सोते हैं, उसके बाद पैरों को नीचे लटका के आपको दोनों पैरों को नीचे लटका देना है, और उसके बाद में करना कुछ नहीं है, बस पैरों को थोड़ा मूव करना है ऐसा, अगले 1.5 मिनट करना है ऐसा, ये ध्यान देना है 1.5 मिनट करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका ब्लड नॉर्मल वे में अंदर फ्लोट हो रहा था बॉडी के अंदर, वैसे ही वो हमारी जो बॉडी है, जब आप ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो वो आप करेंगे, 3.5 मिनट की जो एक्सरसाइज है ये आप करेंगे, तो हमारा ब्लड वैसे ही आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी करेगा, वैसे ही नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करेगा, चाहे वो सर्दी आपकी बॉडी पे कितनी भी पड़ रही हो या कितना भी प्रेशर सर्दी का पड़ रहा हो। तो जब उसके बाद आप नॉर्मल 3.5 मिनट ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, तब आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा जैसे वो अंदर काम कर रहा था या फिर जैसे सोने से पहले काम कर रहा था, ठीक है। वैसा ही आपको करना है जब अर्ली मॉर्निंग सो के उठते हैं आप, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप उठते हैं तो आपको वैसा ही करना है। दोस्तों देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई एज नहीं होती किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की, क्योंकि एक पहला ज़माना था कि जब हार्ट अटैक एक एज के बाद होता था, ब्लड शुगर एक एज के बाद बढ़ता था, लेकिन आज का जो खान पान है वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता, कोई भी एज मैटर नहीं करती कि किस एज में कब हार्ट अटैक आ सकता है, यंग एज में भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी आप अपनी फैमिली में ये इन्फॉर्मेशन बताइए, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बताइए, और ख़ुद भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एजड लोगों के लिए ही है, आप भी कर सकते हैं। देखो मैं तो करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, ये हेल्थ टिप्स जो दिए मैंने आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो बस इतना ही था सर्दियों में बताने का, ये मेरा एक मोटिव था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सभी हेल्दी रहें और मेरी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सभी को अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव ए नाइस डे।